हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंडियन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी। करेले की सब्जी को आज ऐसे तरीके से बनाएंगे कि बड़े क्या बच्चे भी उंगलियां चाटते रह जाएं। तो मैंने यहाँ पर कुछ करेले लिए हुए हैं। करेले की जो ऊपर की परत होती है उसमें बहुत कड़वापन होता है, इसलिए हम इसे पहले पतला पतला छील लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले से करेले को छील लिया था, अब हम इसे पतला पतला काट लेंगे। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी करेले को काट लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच नमक डाल लेंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसका जो कड़वापन होता है वो भी नमक की सहायता से निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नमक को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे ऐसे ही 2 से 3 घंटे यूं ही छोड़ देंगे। हमारे 2 से 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब हम इसे साफ पानी में 2 से 3 बार हाथों से दबा दबा कर अच्छी तरीके से इसे धो लेंगे। हम करेले को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। हम आधी कटोरी तेल डाल लेंगे। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। सरसों के तेल से सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम 4 से 5 कटे हुए प्याज लेंगे। हम तेल में आधा प्याज अभी डालेंगे और आधा प्याज बाद के लिए रख देंगे। अब इसमें 4 से 5 बारीक कटे हुए लहसुन डालेंगे और इसे अच्छे से लाल होने तक भून लेंगे। हमारा प्याज लाल हो चुका है। अब हम इसी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अब हम करेले को भी इसी में डाल देंगे। और अच्छे से चलाते हुए करेले को मिला लेंगे। अब हमने जो प्याज पहले से बचा लिया था उसे भी इसी में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, करेला और प्याज अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसे ढककर पका लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और 10 से 12 मिनट ऐसे ही इसे छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरे करेला अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे भुजिया करने के लिए खुले ही पका लेंगे और थोड़े थोड़े समय बाद इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। ये देखिए दोस्तों, हमारे करेला भुजिया हो रहे हैं। बस हम इसे थोड़ी देर और भुजिया कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे करेला बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे। मैंने करेले को अलग प्लेट में रख लिया है। मैंने इसे मिर्ची का यूज़ नहीं किया है। आप चाहते तो इसे मिर्ची का यूज़ भी कर सकते हैं, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।